लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार के कामकाज की सराहना की, बोले 3 साल में सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं। अमित शाह बोले, मोदी सरकार ने ओबीसी को दिया सम्मान। अमित शाह ने कहा, 3 साल में कालेधन पर लगा अंकुश, सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ा सेना का मान। पाकिस्तान से व्यापार बंद करने से जुड़े आज तक के सवाल पर बोले बीजेपी अध्यक्ष, सभी दलों से बात करके लेंगे इस पर फैसला। अमित शाह बोले, देश रोज छू रहा है विकास की नई ऊंचाई, बाजार में उछाल का दिया हवाला, रोजगार में बढ़ोतरी की कही बात। अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार का किया बचाव, कहा सरकार कर रही है अच्छा काम, विपक्ष पर लगाया प्रशासन के राजनीतिकरण का आरोप। अमित शाह ने शिवपाल यादव के बीजेपी से जुड़ने की अटकलों को किया खारिज, बोले शिवपाल से इस बारे में नहीं हुई कोई भी चर्चा। सोनू यादव के घर भोजन करने पर बोले अमित शाह, इसमें जातिवादी राजनीति नहीं, सोनू बीजेपी का कार्यकर्ता, इसमें क्या बुराई। भ्रष्ट अधिकारियों पर मोदी सरकार ने कसा शिकंजा, सभी मंत्रालयों को भ्रष्ट अफसरों की पहचान कर डोजियर तैयार करने का निर्देश। भ्रष्ट अफसरों पर डोजियर तैयार होने के बाद सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग को सौंपी जाएगी सूची, होगी इन पर कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त से पहले तैयार की जा सकती है भ्रष्ट ऑफिसर्स की पहली सूची, 15 अगस्त के बाद गिर सकती है सभी पर गाज। जेडीयू नेता शरद यादव ने नीतीश के फैसले के खिलाफ पहली बार सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की, बोले जो हुआ वो बेहद अप्रिय। शरद यादव बोले, 11 करोड़ लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में दिया था मत, उसका होना चाहिए था सम्मान। बिहार की 11 करोड़ जनता ने फैसला दिया था हमारे करार पर, तो गठबंधन के टूटने का हमको अफसोस है। सीपीआई नेता डी राजा ने शरद यादव से मुलाकात की, बिहार में बीजेपी और नीतीश के खिलाफ आवाज बुलंद करने, तीसरा सेक्युलर मोर्चा बनाने की चर्चा।